दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की ताकत और विश्व की जरूरत, स्वयंसेवक से लेकर प्रधान सेवन तक का सफर तय करने वाले मोदी यह मानते हैं कि अध्यात्म ही भारत की असल पहचान है। तभी तो बीते 8 सालों में पूरी दुनिया में भारत की ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिरों की तस्वीर बदलते हुए देखा। चार धाम यात्रा का प्रोजेक्ट हो या फिर विशाल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो या फिर महाकाल लोक की भव्यता हो या केदार घाटी के बदलती तस्वीर हो या फिर अयोध्या की धरती पर बन रहा प्रभु श्री राम का भव्य और ऐतिहासिक मंदिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की संस्कृति और परंपरा दोनों को ही विश्व पटल पर आगे बढ़ाने की भरपूर कोशिश की है। आलम यह है कि अब न सिर्फ विदेशी लोग खुद को सनातन धर्म से जोड़ रहे हैं, बल्कि साथ समंदर पार विदेशी धरती पर भी हिंदुत्व का बोलबाला हो रहा है। सऊदी अरब जैसे खाड़ी देश में हिंदू मंदिरों की नींव रखी जा रही है। यह सब यह दर्शाता है कि मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन क्या आप जानते हैं 24 घंटे काम करने वाले पीएम मोदी की 24 घंटे रक्षा कौन करता है? इसको लेकर एक बार फिर जगतगुरु रामभद्राचार्य की भविष्यवाणी सामने आई है। हम उन्हीं जगतगुरु रामभद्राचार्य का जिक्र कर रहे हैं जिनकी मोदी से जुड़ी भविष्यवाणी अक्षरत सत्य साबित हुई है। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले ही स्वामी रामभद्राचार्य ने मोदी के जीतने की भविष्यवाणी कर दी थी। फिर साल 2019 में भी पुनः जीतने की भविष्यवाणी की और अब 2024 में भी उनके विजय होने की भविष्यवाणी कर चुके हैं। इतना ही नहीं, रामभद्राचार्य योगी के फिर से मुख्यमंत्री बनने को लेकर और पीओके के घर वापसी को लेकर भी भविष्यवाणी कर चुके हैं। जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य एक ऐसे असाधारण शख्सियत है जिनका नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है, जिनके माध्यम से दिव्यांग छात्रों को सनातन की डिग्री दी जाती है। आज लोगों के बीच जगतगुरु रामभद्राचार्य की पहचान बतौर कथावाचक से लेकर लेखक, दार्शनिक, संगीतकार, संस्कृति के विद्वान और भविष्यवक्ता के तौर पर होती है। बहुत कम लोग यह बात जानते हैं कि बचपन में ही स्वामी रामभद्राचार्य जी की रोशनी चली गई, लेकिन हार नहीं मानी, उल्टा परिस्थितियों से लड़ना सीखा और आज 22 भाषाओं के ज्ञाता है। आज की तारीख में बतौर कथावाचक स्वामी रामभद्राचार्य दुनिया को अध्यात्म से जोड़ने का कार्य करते हैं। हाल ही में कथा सुनाते वक्त रामभद्राचार्य जी ने बताया था कि किस तरह ईश्वर के 24 रूप 24 घंटे इंसान की रक्षा करते हैं। चित्रकूट की धरती से स्वामी रामभद्राचार्य जी कहते हैं, सूत जी कहते हैं, ऋषिगढ़ भक्त एक ऐसी वस्तु है जिसकी वश में होकर भगवान अवतार लेते हैं और एक दो अवतार नहीं 24 अवतार कम से कम लेते हैं, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। भगवान का संकेत है, जो मेरा भजन करता है उनके मैं 24 घंटे 24 अवतारों से रक्षा करता हूँ। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है। एक माला गायत्री जप लेने से 24 अवतारों की पूजा हो जाती है। जब मेघनाथ पर हर प्रहार बे असर हो रहा था, तब लक्ष्मण जी ने कहा, यदि रामचंद्र जी धर्मात्मा है, यदि राम जी सत्य प्रतीत हैं, यदि राम जी दशरथ जी को अपना पिता मानते हैं और यदि राम जी के समान कोई पुरुष नहीं है, तो हे मेरे बाण, इसी समय रावण पुत्र मेघनाथ का वध कर दो। इतना कहकर जब लक्ष्मण जी ने बाण छोड़ा, तब मेघनाथ का सिर धड़ से अलग हो गया। इसका मतलब यह है कि राम ही मुख्य पुरुष है और उन्हीं से 24 अवतार प्रकट हुए हैं। स्वामी रामभद्राचार्य की यह बातें अब प्रधानमंत्री मोदी से जोड़कर देखी जा रही है। लोगों का मानना है कि 24 घंटे प्रधानमंत्री मोदी की रक्षा और कोई नहीं बल्कि ईश्वरीय शक्ति के 24 रूप कर रहे हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार धरती को हर संकट से दूर रखने के लिए भगवान विष्णु ने 24 अवतार लिया और इन्हीं अवतारों की शक्ति आज प्रधानमंत्री मोदी की सबसे बड़ी रक्षक है। इस प्रकार भगवान के 24 अवतारों के द्वारा भक्तों की 24 घंटे रक्षा होती है। स्वामी रामभद्राचार्य के इन बातों से आप कितना सहमत हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।